उबैदा, बेदी कहाँ रह गया ये? जी हुकम, कुछ देर के लिए मुझे ज़ुबैदा समझ लो। हाँ, ताकि जो काम हो रहा है वो भी बिगड़ जाए ना। आओ ना यहाँ से। अजमा के देख लो, तुम्हारी खातिर ये भी कर लूंगा। अच्छा, तुम्हें इतना शौक है ना काम करने का। एक काम करो, ये सालन की प्याज है, एक काम इनको काट लो। ये काटो। अच्छा मजाक कर रहा था मैं। नहीं काटो ना। मजाक कर रहा। क्या पोज क्यों मार के खड़े हो? देर आटो। उजाला, एक बात तो बताओ, क्या मैं वाकई खूबसूरत हूँ? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत हो, बस शर्त यह है कि खुली आंखों से नहीं, आंखें बंद करके देखा जाए तो। यार तू चुप रहो, बात की मैंने तुमसे, बात की है तुमसे। उजाला पता है वो जो हमारे पड़ोसी आए ना, मैं वहाँ गई थी तो उनके दोनों क्यूट बच्चों की ना मैंने बहुत तारीफ की, तो जो वो उनके खड़ूस वालिद है ना, वो कहते हैं बिल्कुल मेरे ऊपर गए हैं। उजाला मुझे कुछ पिला दो, उजाला कुछ पिला दो, नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। परी उन्हें आए हुए भी एक चंद दिन ही हुए और तुम पता नहीं क्या क्या करवाई हो। मैं कह रही हूँ समझ जाओ, वरना अम्मा बहुत खफा होंगी। अरे मैंने थोड़ी कुछ किया है, वो तो खुद पराए आदमी कूदने के शौकीन लगते हैं, और वैसे भी इससे पहले मेरा जब भी उनसे सामना हुआ है ना, हमेशा लड़ाई ही हुई है। मगर तो मैं सच कहूँ ना, तो आज पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मेरे दिल में ना एक अलग ही मकाम बना लिया। हाँ बिल्कुल, इससे पहले तो ये सादत कमाली साहब को हासिल थी, और ये दूसरा इंसान है जिसने तुम्हारे दिल में मुकाम हासिल किया है। मैं जाऊंगा उनके घर मुबारकबाद देने। अच्छा अभी के लिए तो तुम लोग ये काम करो कि तुम निकलो, चलो। अच्छा उजाला चलो, चलो उसको भी ले जा रहा हूँ बस। चलो अब मुझे काम करने दो यार। तुम तो चलो ना, तुम तो चलो। अच्छा